हम लोग गरीब क्यों हैं? गरीबी के कारण जटिल और बहुआयामी हैं, और वे अलग अलग सामाजिक स्तरों पर भिन्न हो सकते हैं। यहाँ कुछ सामान्य कारक हैं जो गरीबी में योगदान कंट्रीब्यूशन करते हैं। नंबर वन, एजुकेशन और स्किल की कमी। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, क्वालिटी एजुकेशन और स्किल प्रशिक्षण तक सीमित पहुँच लोगों को अच्छी तनख्वाह वाली जॉब हासिल करने या बिजनेस शुरू करने से रोक सकती है, जिससे वे गरीबी में फंसे रह सकते हैं। नंबर टू, अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट। जॉब के अपर्याप्त अवसर, विशेष रूप से अच्छे सैलरी देने वाले क्षेत्रों में बेरोजगारी या अल्प रोजगार का कारण बन सकते हैं, जहां व्यक्ति कम घंटे काम करते हैं या कम वेतन कमाते हैं, जो उनकी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए अपर्याप्त है। नंबर थ्री, आर्थिक असमानता। आय वितरण में असमानता, जहाँ जनसंख्या का एक छोटा हिस्सा धन के एक महत्वपूर्ण हिस्से को कंट्रोल करता है, गरीबी को बढ़ा सकता है। संसाधनों, संपत्तियों और धन सृजन के अवसरों तक सीमित पहुंच लोगों को गरीबी में रख सकती है। नंबर फोर, भेदभाव और सामाजिक बहिष्कार। महिलाओं, जातीय अल्पसंख्यकों और विकलांग व्यक्तियों जैसे उपेक्षित समूहों को अक्सर भेदभाव और सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ता है, जिससे एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और सामाजिक सेवाओं तक उनकी पहुँच सीमित हो जाती है और इन कम्युनिटीज में गरीबी बनी रहती है। नंबर फाइव, बुनियादी ढांचे, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर और बुनियादी सेवाओं, बेसिक सर्विसेज की कमी। सड़कों, बिजली, स्वच्छ पानी और स्वास्थ्य सुविधाओं जैसे अपर्याप्त बुनियादी ढांचे आर्थिक विकास और विकास में बाधा बन सकते हैं, जिससे लोगों के लिए गरीबी से बचना मुश्किल हो जाता है। नंबर सिक्स, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, राजनीतिक अस्थिरता और करप्शन। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, भ्रष्टाचार, राजनीतिक अस्थिरता, कमजोर शासन और भ्रष्टाचार के उच्च स्तर का अनुभव करने वाले समाज अक्सर प्रभावी गरीबी उन्मूलन नीतियों और प्रोग्राम्स को लागू करने के लिए संघर्ष करते हैं। भ्रष्टाचार संसाधनों को आवश्यक सर्विसेज से दूर कर देता है और आर्थिक विकास बटा इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बाधित करता है। नंबर सेवन, एनवायरमेंटल फैक्टर्स बटा पर्यावरणीय कारक। प्राकृतिक आपदाएं, जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय क्षरण समुदायों पर विनाशकारी प्रभाव डाल सकते हैं, विशेष रूप से वे जो कृषि पर निर्भर हैं या चरम मौसम की घटनाओं के प्रति संवेदनशील हैं। इन कारकों से आजीविका का नुकसान हो सकता है और गरीबी के स्तर में वृद्धि हो सकती है। व्यापक नीतियों और हस्तक्षेपों के माध्यम से इन संरचनात्मक और प्रणालीगत मुद्दों को संबोधित करना आवश्यक है, जो गरीबी को प्रभावी ढंग से कम करने के लिए शिक्षा, रोजगार के अवसर, सामाजिक सुरक्षा, समान आर्थिक विकास और सुशासन को बढ़ावा देते हैं।